Panda. I got broads in the land. Just to throw me in the fan. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एफ एफ बलवंत गेमिंग में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अज्जू भाई और अमित भाई की आईडी देके उनका स्टेटस जानेंगे कि कौन, और ये भी जानेंगे कि कौन किससे, मतलब किसकी आईडी अच्छी है किसकी नहीं, कौन अच्छा खेलता है कौन अच्छा नहीं खेलता है। उन दोनों में खेलते तो दोनों अच्छा है, लेकिन अपन उन दोनों में कंपेरिजन करेंगे कि मतलब कौन अच्छा खेलता है और कौन अच्छा नहीं खेलता है। मतलब अज्जू भाई अमित भाई से ज्यादा अच्छा खेलते हैं या अमित भाई अज्जू भाई से ज्यादा अच्छा खेलते हैं, तो आज की वीडियो में हम यही बताने वाले, और ये भी बताएंगे कि अज्जू भाई की आईडी ज्यादा अच्छी है या अमित भाई की आईडी ज्यादा अच्छी है। मतलब तो यार, अज्जू भाई और अमित भाई को तो सभी जानते ही होंगे, ऐसा तो कोई नहीं होगा कि अज्जू भाई और अमित भाई को ना जानता हो, तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो फिर कोई बंदा अभी पूछने लगे, कमेंट करने लगे, भाई ये अज्जू भाई कौन है। तो यार ये थोड़ा मतलब एकदम अजीब ऐसा लगेगा यार कि मतलब कौन सी दुनिया में जी रहे हो, मतलब कोई ऐसा कमेंट ना करे। तो अभी हम अज्जू भाई और अमित भाई की आईडी देखेंगे, दोनों की आईडी में से कौन की आईडी बेटर है, कौन नूबड़ा है और कौन प्रो है। यार प्रो तो दोनों है, लेकिन मैं ऐसे ही मजाक में बोलूंगा उनको, या किसी को भी नूबड़ा बोलूंगा तो आप लोग कोई बुरा ना माने। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कौन कौन का स्टेटस जानना है तो आप लोग कमेंट करके बताना, किसकी किससे तुलना करना है ये भी कमेंट करके बता देना। और मतलब ऐसे बताना कि मतलब देखो, जैसे मैं अमित भाई और अज्जू भाई की मतलब ये तुलना कर रहा हूँ, एक दोनों एक दूसरे की तुलना कर रहा हूँ, ऐसे ही बताना कि आप लोगों को किन किन की चाहिए है, जैसे कि राई स्टार और एस के सावर हो गया, जिक्स हो गया, तो इनमें से मतलब किसकी आईडी चाहिए, और भी है बड़े बड़े यूट्यूबर, किसी का भी आप लोग बता देना। तो नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर आ जाएगा, मतलब जो ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं उसी पे ला दूंगा वीडियो। तो यार अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लेना, वीडियो को लाइक बाद में कर देना वीडियो देखने के बात। तो चलिए फिर अभी चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं और हमने अज्जू भाई की आईडी को सर्च किया और इंस्पेक्ट करके देखा, तो अभी आप लोग देख सकते हैं अज्जू भाई की आईडी है, ये इनका 71 लेवल है। और इनका अगर अभी देखो, इनसे अमित भाई की तुलना भी करेंगे, अभी अमित भाई का स्टेटस भी दिखाएंगे, सारा सब कुछ दिखाएंगे। अभी इनका देखो, अगर अपन बेजेस देखें तो बेजेस इनके 500 के ऊपर है, 400, ये देखो 787, बहुत अच्छे खासे बेजेस भी है। अब मेरे को मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि यार क्या इन्होंने ये बेजेस कलेक्ट किए हैं या खरीदे हैं। और इनकी अगर मतलब ये देखो, रैंक देखो, रैंक गोल्ड है क्लास स्क्वाड रैंक में, और रैंक में है इनका प्लेटिनम 3। और अगर हम इनकी लाइकें देखें तो लाइकें इनकी 20,139 है। अभी इनका हम गिल्ड देख लेते हैं, तो गिल्ड का नाम है इनका TG, क्या लिखा था मैंने पढ़ ही नहीं पाया, आप लोगों को तो पता ही होगा कि उनके गिल्ड का नाम TG माफिया है। तो अभी अपन लोग आ गए इनकी प्रोफाइल पर, तो प्रोफाइल पे आने के बाद इनके अगर मैच देखें तो इन्होंने सोलो में 882 खेले हैं, और डुओ में इन्होंने कितने 1609 खेले हैं, और स्क्वाड में 9385 खेले हैं। और इनका अभी इनका रैंक में जाके देख लेते हैं, तो रैंक में कैसा क्या है, तो रैंक में इन्होंने स्क्वाड की KD रेट है इनकी 392 की, और हेडशॉट रेट 49 की है। भाई साहब मतलब ये तो यार प्रो है, मैं सोचता था कि अज्जू भाई नूबड़े हैं, लेकिन यार ये तो बताओ हेडशॉट रेट अच्छा खासा है, मतलब भाई 49 की हेडशॉट रेट है, ओ भाई क्या मतलब ओपी। और अभी डुओ में देख लेते हैं, तो डुओ में अरे रिक्वेस्ट आ गई, तो डुओ में देखो इनका डुओ में 70 का है हेडशॉट रेट, और KD रेट है 352 का, मतलब डुओ में भी ये अच्छा खासा खेलती है, सोलो के तो ये काम के ही नहीं है भाई, क्या मतलब यार सोलो में 14 गेम खेले इन्होंने, 13 किल किए हैं, अब इनका हम क्या बताएं, मतलब ये सोलो के कोई काम के नहीं है। तो ये थी हमारे अज्जू भाई की आईडी, और अभी हम अमित भाई की आईडी की भी जांच करेंगे, मतलब देखेंगे अमित भाई की आईडी से तुलना करेंगे अज्जू भाई की आईडी से। तो देखते हैं, अभी हमने ये अमित भाई की आईडी भी कॉपी की थी और यहाँ पे पेस्ट की, तो ये है हमारे अमित भाई, इनका गिल्ड का नाम है सर्वाइवर्स, तो आप लोग देख लो। और अभी देखो, ओ भाई ये क्या कॉम्बिनेशन है भाई, क्या है ये, मतलब यार ये क्या, मतलब देखो तो यार ये क्या कॉम्बिनेशन बना के रखा भाई, ये पेंट देखो कैसा पटा मटा सा पहना है भाई, मान लो यार ये फटे की ये स्टाइल चल रही है, तो यार इतना मतलब इतनी स्टाइल भी नहीं कि यार देखो मतलब पेंट पूरा ही फटा हुआ है। तो ये देखो अभी इनके अपन बेजे
फेस देख लिए तो बेजेस इनके मतलब अज्जू भाई से ज्यादा एक में भी नहीं है। मतलब अज्जू भाई ने तो 400 500 के ऊपर भी बेजेस, लेकिन इनके 501 भी लाइट पास में बेजेस नहीं हो पाए। तो अज्जू भाई से ये बेजेस में तो हार गए। अभी देख लेते हैं अपन लेवल में, तो लेवल में 71 लेवल इनका भी है और 71 लेवल अज्जू भाई का। लाइके देखें तो 15,175 लाइकों में भी ये हार गए। अकेले लेवल में है तो वो भी जीते नहीं है अज्जू भाई से, बराबरी पे है। लाइकों में तो हार गए, अज्जू भाई की 20,000 थी और इनकी 15,000 है। अभी अपन रैंक देखें तो रैंक में प्लेटिनम 3 है इनकी, क्लास स्क्वाड में, क्लास स्क्वाड में प्लेटिनम 3 है, तो रैंक में जीत गए। और अभी देख लेते हैं अपन प्रोफाइल पे आके, तो प्रोफाइल में आने के बाद अपन लाइफ टाइम का देखें तो इन्होंने 3,035 गेम खेले हैं। मतलब इतने अज्जू भाई ने भी खेले थे शायद से नहीं। और डुओ में इन्होंने खेले हैं 3,736 और स्क्वाड में खेले हैं 6,917। गेम तो बहुत खेला इन्होंने, 71 लेवल भी, तभी तो 71 लेवल हो गया है। तो अभी अपन लोग इनका मतलब ये देखते हैं, अपन स्क्वाड का केडी रेट देखते हैं 3.65 का है और हेडशॉट रेट 18 का है। अभी ये हम लाइफ टाइम का देख रहे हैं, मतलब लाइफ टाइम का देख रहे हैं, रैंक का अभी बाद में देखेंगे। तो ये देखो अभी डुओ में देख लेते हैं, डुओ में 3.14 का है केडी रेट और हेडशॉट रेट 18 का। मतलब अज्जू भाई से यहाँ भी नहीं है जीत पाए, तो अज्जू भाई के ज्यादा था ये सब। तो ये देखो अभी सोलो में देख लेते हैं, सोलो में भी अच्छा खासा है। तो यार अभी आ गए हम रैंक में, तो रैंक में सबसे पहले स्क्वाड की केडी रेट चेक करेंगे कि मतलब ये देखो सोलो में इन्होंने 6 गेम खेले हैं, मतलब क्या, और डुओ में 20 गेम खेले हैं और स्क्वाड में 93। क्या यार खेलते ही नहीं है यार गेम, बहुत कम गेम खेले इन्होंने। अभी अज्जू भाई से ये कहीं पे मतलब कहीं पे भी नहीं जीत पाए हैं। तो अभी और देख लेते हैं इनका मतलब स्क्वाड का केडी रेट देख लेते हैं इनका, 3.29 का, नहीं जीत पाए, यहाँ भी हार गए। और अभी हेडशॉट रेट देखें तो यार नहीं 23 का है हेडशॉट रेट। क्या यार अज्जू भाई का तो 49 का था, मतलब दोगुना है सीधा। तो ये यहाँ पे भी हार गए अज्जू भाई से, मतलब कहीं पे भी नहीं जीत रहा है यार। क्या अकेला लेवल है, वो भी बराबरी पे है, आगे नहीं है। तो ये देख सकते हो आप लोग कुछ भी नहीं, मतलब कहीं पे भी नहीं जीत पाया अभी तक। तो ये हमारी ये स्क्वाड की थी केडी रेट। अभी हम डुओ की केडी रेट चेक करेंगे, तो ये है डुओ की केडी रेट। तो डुओ में देखें तो डुओ में 2.78 की है, मतलब यहाँ पे भी नहीं जीत पाए, अज्जू भाई का ज्यादा है। अब ये रही सोलो की, मतलब सोलो में ये है सोलो की केडी रेट। तो सोलो में इन्होंने मतलब 6 गेम खेले और 17 किल किए हैं, तो केडी रेट तो अच्छा है, गेम कम खेले हैं, लेकिन हेडशॉट रेट बहुत कम है। तो ये मतलब कहीं से भी अज्जू भाई से आगे नहीं निकल पाए, ना ही तो सब्सक्राइबर से और ना ही आईडी में भी ये पीछे ही है, अज्जू भाई से कहीं से भी आगे नहीं है। तो ये था अमित भाई और अज्जू भाई का स्टेटस। आप लोगों को कैसा लगा दोनों में से, आप कमेंट करके बताना किसका स्टेटस अच्छा है। नेक्स्ट वीडियो में किस किस का स्टेटस आप लोगों को जानना है, कमेंट करके जरूर बताना। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लेना, तभी हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।